एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज बन रहा है बीन्स मसाला ग्रेवी। तो आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये मैंने 3 टोमेटो लिया है, चॉप किया है। इसको हम प्यूरी बनाएंगे। उसमें 1 ऑनियन एंड 4 चिलीज एंड जीरा डाला है। ये 1 चॉप ऑनियन हम ऐसे ही डालेंगे। ये 3 ऑनियन चॉप किया है। ये आलू और ये इंग्रेडिएंट्स है तड़के के लिए। बेली, स्टारफुल, कार्डिमम, ब्लैक पेपर, शाजीरा एंड रेड चिलीज एंड ये है बीन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी हम अभी प्यूरी बनाएंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एड ऑयल, वेट फॉर हीटिंग। अब हम जब ये तेल गरम हो जाएंगे तो इसमें पहले हम आलू फ्राई कर लेंगे थोड़े से लाइट ब्राउन। ऐड आलू टू फ्राई। देखिए फ्रेंड्स, ये सब ब्राउन होने लगा है। अब इसको थोड़ी देर बाद हम इसको रिमूव करेंगे, इसमें से बाहर निकालेंगे। हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। केवल इंग्रेडिएंट्स मिला। वेट फॉर 2 सेकेंड्स। एडिंग चॉप ऑनियन। Stir it. And wait till this color turning into golden. Now onion changing his color and adding tomatoes chopped. थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे ताकि टोमेटो जल्दी से मैश हो जाए इसके साथ। स्टेयर करेंगे और उसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे जब तक टोमेटो मैश नहीं हो जाए। चलिए फ्रेंड्स चेक करते हैं। ये देखिए हमारे टमाटोज पूरे मैश हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्यूरी जो हमने मिक्स किया था। अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैगी मसाला, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, छोले मसाला, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, हल्दी, सॉल्ट हमने पहले डाला था, बाद में हम इसको टेस्ट करके फिर ऐड करेंगे सॉल्ट, चिली पाउडर, ये होममेड चिली होम है,
वो वाला रेड चिली पाउडर सिर्फ कलर के लिए यूज करती हूँ मैं। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें तो दो दो बार मिर्ची डाले। चलो अब इसको करते हैं स्टिर, मिक्स इट वेल। अच्छे से मसाले एक दूसरे से मिल जाए। ये देखिए गाइस, मैंने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको 5 मिनट्स के लिए ऑयल रिमूव हुए तक कवर करके रखेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें बीन्स ऐड करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तेल अभी सेपरेट हो गया ऑयल इसमें से। अब हम इसमें बीन्स ऐड करते हैं। ये देखिए गाइस, मिक्स कर दिया है हमने इसे। अब हम इसमें 1/2 ग्लास ऑफ वाटर डालेंगे ग्रेवी बनने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा कलर आया है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए कवर करके रखेंगे। फिर बाद में और कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। ऐड कोरिएंडर लीव्स, स्टिर इट। अभी हम उसमें थोड़े से देर बाद आलू ऐड करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू एडिंग पोटैटोस। ये देखिए गाइस, हमारी ग्रेवी रेडी है।